एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान को 2 साल पुराने केस में मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। यह कार्रवाई 2020 के एक विवादित ट्वीट पर की गई। सूत्रों के मुताबिक उन्हें मंगलवार को बोरीवली कोर्ट में पेश किया जाएगा। कमाल को मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कमाल 2 साल बाद मुंबई लौटे हैं। KRK ने 2020 में इरफान खान और ऋषि कपूर के निधन के बाद ट्वीट किए थे। उन्होंने लिखा, मैंने कुछ दिन पहले कहा था कोरोना तब तक नहीं हट जाएगा जब तक कुछ फेमस लोगों को अपने साथ नहीं ले जाता। तब मैंने नाम नहीं लिखे थे क्योंकि लोग मुझे गालियां देते, लेकिन मैं पहले से जानता था कि ऋषि और इरफान जाएंगे। मुझे ये भी पता है कि अगला नंबर किसका आने वाला है। शाहरुख खान ने बैक टू बैक फ्लॉप हो रही हिंदी फिल्मों का हाल देखने के बाद डॉन 3 का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक किंग खान ने डॉन 3 का ऑफर ठुकरा दिया है। हां, आपने सही सुना, रिपोर्ट में करीबी सूत्रों के हवाले से जानकारी देते हुए बताया गया कि शाहरुख खान को ये फिल्म ऑफर हुई थी जिसे अब उन्होंने करने से मना कर दिया है। फैशन डिजाइनर कुणाल रावल और अर्पिता मेहता कल शादी के बंधन में बंध गए हैं। उनकी शादी मुंबई के ताजमहल पैलेस में थी। कपल की ग्रैंड वेडिंग में बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हुए। वहीं अब सोशल मीडिया पर रिया कपूर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें सभी कुणाल और अर्पिता की शादी में एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अक्सर अपने फिटनेस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सारा वर्कआउट करती हुई नजर आई। वीडियो के बैकग्राउंड में आमिर खान की सुपरहिट फिल्म दंगल का गाना भी सुनाई दे रहा है। फैंस उनके इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं।